Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. And dear students, आप लोगों को मालूम है मॉडल पेपर पास्ट पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और चैप्टर वाइज में आप लोगों को उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ. और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे. सेक्शन बी जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, विच इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो बिलोंग करता है, और रिमेनिंग में सेक्शन सी रह गया है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, वो रह गए हैं. अब राइट नाउ जो है रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ. जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने देखें स्लाइड पे शो हो रहा है. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो है वो पास्ट पेपर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो करेंगे, और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो हम करेंगे. पार्ट नंबर जो है वो 5 भी जो है वो इसको कह सकते हैं, बिकॉज मैं इसको जो है वो पार्ट के अंदर जो है आप लोगों को करवा रहा हूँ. सो राइट नाउ जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट एन प्लस 1 टी एन वेयर टी 1 इज इक्वल टू 2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप देखें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने हमने फाइंड आउट करना है जी इसमें टी एन, और इसमें जो है वो आपको वैल्यू भी दी हुई है टी एन प्लस 1 है, राइट. फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग टी 1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 2 है, राइट. ये जो है गिवन है. सॉल्यूशन में क्या है, क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, और ये जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू होल ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू टी एन, ये जो है इसका क्या है एक्चुअल फॉर्मूला है, राइट. तो उसके बाद जो है वो टी 1 प्लस 1, जैसे कि इसमें वैल्यू जो है वो गिवन है, एन की वैल्यू जो है वो क्या है, एन की वैल्यू है 1, वो मैंने यहाँ पे रिप्लेस की क्योंकि सीक्वेंस की बात कह रहा है. तो हम सीक्वेंस में जाएंगे, आप देखें नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें टी एन की जगह इसने टी टू लिया है, फिर टी थ्री लिया है, फिर टी फोर लिया, राइट. इसी तरीके से ये नंबर ऐड करता गया है अप टू 4 तक किया गया है सीरीज जो है वो बनाने के लिए, राइट. तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है, राइट स्टूडेंट्स. तो अब देखें इसमें जब मैं वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ, 1 पुट किया यहाँ पे, 2 किया यहाँ, 3 किया यहाँ पे, 4 किया, राइट. एन को जस्ट मैंने रिप्लेस किया अप टू 4 तक मैं लेकर गया हूँ, बाकी नथिंग एल्स, फार्मूला एज इट इज जो है वो वहां पे लिखा हुआ है. टी एन की जगह क्या हुआ है, टी 1 हुआ है, यहाँ टी 2 हुआ है, यहाँ टी 3 हुआ है, यहाँ पे टी 4 हुआ है, राइट. तो इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है आपके सामने. अच्छा, अब जहां तक आपने सीरीज को लेके जाना है वहां तक जो है ये क्वेश्चन आप लेके जाएं. जैसे टी 5 लिखेंगे तो अप टू 1 सीरीज जो है ये एज इट इज जो है वो चलती रहेगी, राइट डियर स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत ही सिंपल जो है वो ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को करवाया है. अब ये मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करके भी स्लाइड पे आपको शो करवा देता हूँ ताकि इजिली आप लोगों को ये चीज समझ में आ सके. डियर स्टूडेंट्स देखिए इसमें है फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. अब यहाँ पे देखें वैल्यूज कैसे पुट अप हुई है इसके अंदर, मैं इसको आपको शो ऑफ भी करा देता हूँ पेन के साथ. ये देखें यहाँ मैं इसकी बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एन, जिसको मैंने अभी राइट में अंडरलाइन किया है, और देखें ये टी 1 प्लस 1 है आपके पास, फिर यहाँ पे वैल्यू 2 पुट हुई एन की जगह, यहाँ पे 3 पुट अप हुई, यहाँ पे 4 पुट अप हुई. बहुत सिंपल देखें ये क्वेश्चन है, और सीरीज आपने इस तरीके से बनानी है टी 1 एज इट इज, टी 2 एज इट इज, टी 1 टी 2, यहाँ पे टी 3 है, यहाँ पे जो है वो टी 4 है, राइट. इस तरीके से है. अब जो है वो इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू होल ब्रैकेट 2, 3 इंटू होल ब्रैकेट 4, 4 इंटू होल ब्रैकेट 12, राइट. इसी तरीके से 5 इंटू 48. अब ये जो 48 है, राइट,
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, लाइक 5 × 48 होगा, तो T5 मेरे पास क्या हो जाएगा, 240। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 240 एंड दिस 48 फॉर T3+1, एंड दिस 12 इज फॉर T2+1, एंड दिस 4 इज फॉर T1+1, राइट। ये सीरीज इस तरीके से बन गई है, राइट। तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मोस्टली आप क्वेश्चंस देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड ही होंगे। सीक्वेंस, इन अदर वर्ड, कोई चीज तरतीब में रखी हुई हो, या मतलब एक सीक्वेंस में जा रही हो। लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स, तो 2, 4, 6, 8 सीक्वेंस में जाएंगे। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की जो है वो बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इसी तरीके से आपने इसमें जस्ट वैल्यूज को टप करती जानी है जहां तक आपको सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगी। तो इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में जो है वो डेफिनेटली ये आ सकता है, आता रहा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस एग्जाम्स में, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सेकेंडली सेक्शन बी में तो आ ही सकता है, और फिर बाज़ औक़ात जो है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सब्जेक्टिव में या तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो कि टाइम ज्यादा कंज्यूम करें आपके, और या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर साइज में छोटे होंगे तो वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, जहां पे वो टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, आपको आपको माइंड को ज्यादा इंगेज करना पड़ेगा वहां पे, जहां साइज छोटा होगा, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरह होगा। और अगर इतना ज्यादा जो है वो टेक्निकल या हैथिक नहीं होगा उस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट, तो फिर जो है थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा फोकस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इफ सॉल्यूशन। ए एन इज इक्वल टू 2n-3, ए वन इज इक्वल टू 2 × 1-3 इज इक्वल टू -1, और ए टू इज इक्वल टू 2 × 2-3, राइट, इज इक्वल टू 1। और उसके बाद ए थ्री इज इक्वल टू 2 × 3-3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3। ये भी सिंपल देखें, मैंने आपको जब एमसीक्यूज का पार्ट करवा रहा था इसमें, तो जब मैंने आप लोगों को बहुत सारे फार्मूलाज वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसको समझाने की कोशिश की थी, तो वो इसी वजह से था। मैंने कहा था कि क्वेश्चंस के अंदर यही फार्मूलाज रिपीट होंगे बार बार। तो देखिए, अब हर क्वेश्चन है उसमें एक फार्मूला इन्वॉल्व हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू 2n-3। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें ये है डियर स्टूडेंट्स के वैल्यूज पुट अप करनी है आपने। अब देखें, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है, अब ये आप लोगों ने थोड़ा सा जो है डिफ्रेंशिएट करना है, मिक्सअप ना हो जाए चीजें, मेमोराइज करनी है इसको, अच्छे से याद करनी है, और मिक्सअप ना हो, प्रैक्टिस करेंगे बार बार चीजों की तो मुश्किल नहीं होगी। अब देखें, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ये बात कह रहा है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, तो इसमें क्या हुआ है, ए वन इज इक्वल टू 2 × 1-3 इज इक्वल टू -1। अब ये सीरीज चलती जा रही है, -1, नेक्स्ट जो है ए टू पुटअप हुआ है, फिर ए थ्री हुआ है, फिर इस तरीके से सो ऑन, राइट। ए फोर है, ये चलता जा रहा है, ये दिस वन एस जो है ये नहीं है, ये ए फोर ही है, ये एस जो है वो यहाँ पे नहीं है, ए फोर कंसिडर करें इसको, और इज इक्वल टू 2 × 4-3 इज इक्वल टू 5 है, और ए 5 इज इक्वल टू 2 × 5-3 इज इक्वल टू 7 है। तो ये जो है सीरीज आप लोगों की बन जाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इजी क्वेश्चन है, होप सो के आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की, और बुक के अंदर जो है वो एक्सरसाइज जो है उसको देखें, और उसमें ये वाले जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें, और मेरा जो लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर, कंप्लीट जो लेक्चर्स हैं उसको देखें, और फिर आपकी बहुत अच्छे से जो है प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम्स की। सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और नोट्स, क्विजेज और तमाम हेल्पिंग मटेरियल जो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो आप हमारी वेबसाइट www.freetution.com से ले सकते हैं। साइन अप फ्री करना पड़ेगा आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो करें, जस्ट टू प्रमोट द क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।